पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान संगठनों को समर्थन देते हुए पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को पटियाला में अपने घर की छत पर किसानों के हक का काला झंडा लहराया। वहीं अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर उनकी बेटी राबिया सिद्धू की ओर से काला झंडा फहराया गया। इस मौके पर राबिया सिद्धू ने बोले सोनिहाल के जयकारे लगाए और किसानों के हक में कृषि कानून रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाए। पंजाब उड़ीक दे, पंजाब दी किसानी उड़ीक दी, कद चलू पंजाब खुद मुख्तियारी दी राह, बाबे नानक दी दसी हुई राह, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारीए, ओ राह। पिछले 20-25 सालों तो वध रहा कर्ज, घट रही आमदन, घट रही उपज, पंजाब दे हर छोटे ते वड्डे किसान नू संघर्ष करन दे लई मजबूर कर रही है। पंजाब अज 3 काले कानूनों खिलाफ लड़ रहा है जो पंजाब दी डुबदी किसानी नू बिल्कुल ही खत्म करन वास्ते ल्यांदे गए हन, बद नालों बत्तर बनाण दे लई ल्यांदे गए हन। छोटे व्यापारी ते मजदूर दे पेट दे उत्ते लत मारन वास्ते, उहदी रोटी दे उत्ते लत मारन वास्ते ल्यांदे गए हन। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि हर एक पंजाबी का फर्ज है कि वह किसानों के समर्थन में आगे आए। सिद्धू ने कहा कि जब तक यह सिस्टम नहीं बदलता तब तक यह झंडा नहीं उतरेगा। उन्होंने पंजाब की जनता को भी किसानों के समर्थन में काले झंडे फहराने की अपील की। गौरतलब है कि सिद्धू ने किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ऐलान किया था कि वह पटियाला और अमृतसर में अपने रिहायश पर काले झंडे फहराएंगे। सिद्धू ने लिखा था कि वह सभी को अपील करते हैं कि जब तक खेती कानून रद्द नहीं किए जाते या राज्य सरकार फसलों की खरीद और MSP को यकीनी बनाने का हल नहीं तलाशती तब तक हर छत पर काला झंडा लगाया जाए। जे खेती कानून रद्द ना होए, MSP नू होर फसलां सब्जियां फ्रूट दालां दे उत्ते ऑयल सीडां दे उत्ते किसानां नू दे के सरकारी खरीद ना होई, किसानां हथ स्टोरेज ना दिता गया ते किसानी ते वधदा कर्जा खत्म ना होया ते पंजाब नहीं उठना। पटियाला में अपनी कोठी की छत पर काला झंडा फहराकर एक बार फिर से जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में अपनी सक्रियता दिखाई, वहीं किसानों के हक में बोलकर आने वाले चुनावों के मद्देनजर बड़े वोट बैंक को भी साधा है।